वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। और आज जो आप मेरे हाथों में देख रहे हैं एक छोटा सा बेस ट्रिबल का बोर्ड है, लेकिन कुछ इसमें स्पेशलिटी है। वो स्पेशलिटी जब ये फिंगर में आपको हटाऊंगा तो पता चल जाएगी। आप चाहे इस बेस ट्रिबल बोर्ड का यूज़ कर रहे हो, चाहे किसी और बेस ट्रिबल बोर्ड का यूज़ कर रहे हो, इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। हमारे ज़्यादातर फ्रेंड्स जो भी बेस ट्रिबल बोर्ड को यूज़ करते हैं वो जब एम्पलीफायर के साथ इसे अटैच करते हैं तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती है, जैसे हीजिंग की या हमिंग की या सही से मैच नहीं होता है। ये सारी प्रॉब्लम्स भी इस वीडियो में मैं कवर करूंगा। अगर आप बेस ट्रिबल बोर्ड यूज़ करते हैं या करने वाले हैं तो उसे किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है, सिंगल सप्लाई के साथ, डबल सप्लाई के साथ, ये सारी चीज़ें भी इस वीडियो में मैं बताऊंगा। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। और अब इस बोर्ड का एडिशनल फंक्शन मैं आपको दिखाता हूँ जो कि सरप्राइज़ है। तो ये देखिए, फिंगर मैंने हटाया और यहाँ पर देखा आपने कि एक छोटी सी चिप लगी हुई है, यानी कि इस बेस ट्रिबल बोर्ड में बेस, मिड और ट्रिबल के साथ ब्लूटूथ का भी फंक्शन है। डायरेक्टली ये ब्लूटूथ से कनेक्ट हो जाएगा, तो ये एक बहुत ही यूज़फुल फंक्शनलिटी इसमें डाली गई है। साथ में इसमें ऑक्स फंक्शन भी है, ऐसा नहीं कि सिर्फ ब्लूटूथ से ही काम करेगा, ऑक्स भी काम करेगा। आइए देखते हैं कि इस बोर्ड की स्पेसिफिकेशंस क्या हैं। तो सबसे बड़ी स्पेशियलिटी या सबसे अलग बात यह है कि ये ड्यूल सप्लाई वाला बोर्ड है। वैसे ड्यूल सप्लाई बोर्ड हो या सिंगल सप्लाई बोर्ड हो, दोनों को आप कहीं भी यूज कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं इस बोर्ड में 3 रेगुलेटर इनबिल्ट दिए हुए हैं। इसका मतलब है कि इस बोर्ड को रेगुलेटेड सप्लाई बना के दी गई है। 4 डायोड भी दिए हुए हैं। आपको डायरेक्टली ट्रांसफार्मर यहाँ पर लगा देना है, रेक्टिफाई होकर प्लस माइनस 12 वोल्ट की पावर सप्लाई इस बोर्ड को मिल जाएगी। एक और रेगुलेटर यहाँ पर दिया हुआ है जो कि 5 वोल्ट का रेगुलेटर है, वो इस ब्लूटूथ चिप को चलाने के लिए दिया हुआ है। इसके अलावा इसमें एक एडिशनल वॉल्यूम कंट्रोल भी दिया हुआ है और एक स्विच भी दिया हुआ है जिससे कि आप ब्लूटूथ और ऑक्स मोड सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इन सारे कनेक्टर्स और स्विचेस का डिस्क्रिप्शन आपको मैं दिखा रहा हूं। दो ऑप एम्प लगे हुए हैं 4558, जो कि आप जानते हैं बहुत अच्छे ऑप एम्प होते हैं, ज़्यादातर जगहों पे यूज होते हैं। इन दो ऑप एम्प की हेल्प से 3 बैंड का टोन कंट्रोल, जो कि बैक्सन डाल सर्किट पे बेस्ड है, बेस, मिड और ट्रिबल की फ्रिक्वेंसी कंट्रोल करने की फैसिलिटीज बोर्ड में मिलती है। और यहाँ पर जो ब्लूटूथ बोर्ड यूज़ किया गया है वो भी इंकोशन का अपना है और ये पूरा बोर्ड SMD कंपोनेंट्स पे बेस्ड है और इस वजह से इसमें नॉइस का लेवल बहुत ही कम रहेगा। इस बोर्ड में आप 12 वोल्ट से लेके 18 वोल्ट तक का ट्रांसफार्मर यूज कर सकते हैं। और बिकॉज इन सब बोर्ड्स की करंट रिक्वायरमेंट बहुत ही कम होती है, मिली एम्पियर्स में होती है, इसलिए अगर आप 500 मिली एम्पियर का ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं तो आपके लिए मोर देन एनफ होगा। मैं डेमोस्ट्रेशन के लिए 12012 500 मिली एम्पियर का ट्रांसफार्मर यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ। और यहाँ पर एक बहुत अच्छी टिप मैं आपको देना चाहूँगा कि अगर आप इस तरह के प्री एम्प के बोर्ड किसी भी एम्पलीफायर में लगा रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि उसको पावर सप्लाई आप अलग से दीजिए, अपने मेन एम्पलीफायर के साथ मत दीजिए, तो आपकी हीजिंग और हमिंग वाली समस्या अपने आप दूर हो जाएगी। तो आइए इस बोर्ड को कनेक्ट हम कर देते हैं पावर सप्लाई इनपुट आउटपुट से, इसके बाद इसके कंट्रोल्स का फंक्शनिंग देखते हैं। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप बेस ट्रिबल बोर्ड किसी भी सर्किट के साथ यूज़ करते हैं तो क्या सावधानी और क्या प्रिकॉशंस आपको रखने चाहिए। आप देख रहे हैं कि मैंने सारे कनेक्शन कर दिए इसमें, और बिकॉज ये एक बेस ट्रिबल बोर्ड है तो मैंने एक ऐसा एम्पलीफायर इसके साथ यूज़ किया है जिसमें इनबिल्ट बेस ट्रिबल ना हो, ताकि आपको क्लियरली पता चल सके कि इस बेस ट्रिबल बोर्ड की क्वालिटी क्या है। और एक चीज़ मैं यहाँ आपको बहुत क्लियरली बताना चाहूँगा कि कभी भी अगर आपके पास ऑप्शन है बेस ट्रिबल बोर्ड लेने का, बेस ट्रिबल की बजाय आप बेस, मिड और ट्रिबल वाला बोर्ड लीजिए जैसा कि इसमें दिया गया है। होता क्या है दोस्तों, जब भी हम ऑडियो प्ले करते हैं, कुछ हमारे इंडियन स्पीकर्स का स्ट्रक्चर ऐसा होता है तो जो भी ऑडियो वो रिप्रोड्यूस करते हैं उसमें मिड रेंज बहुत ज़्यादा हो जाता है जो कि हमारे कानों को चुभता है। तो अगर आपके बेस ट्रिबल बोर्ड में या प्री एम्प में मिड रेंज का कंट्रोल है तो आप उस शार्पनेस या उस तेज़ी को कम कर सकते हैं। गानों में जो वोकल इफेक्ट होता है उसको भी ये मिड वाला बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल कर सकता है, इसीलिए अगर आपके पास ऑप्शंस हो तो आप 3 बैंड का टोन कंट्रोल हमेशा यूज़ करें तो आपको बेटर कंट्रोल मिलेगा। जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया था, अगर आप प्री एम्प बोर्ड के लिए सेपरेट पावर सप्लाई यूज़ करते हैं तो आपको किसी भी कनेक्शन में कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी हमिंग नहीं आएगी, आप डायरेक्टली जिस तरीके से कनेक्टर है उस तरीके से जोड़ सकते हैं। बिकॉज ये दोनों सेपरेट पावर सप्लाई से चल रहे हैं इसलिए मैं ग्राउंड यूज़ कर रहा हूँ। अगर कॉमन पावर सप्लाई से मैं यूज़ करता तो इस ग्राउंड को मैं हटा देता और ट्रांसफार्मर की ग्राउंड ही सबके लिए कॉमन ग्राउंड हो जाती। बहुत सारी क्वेरीज़ मुझे इस बारे में मिलती है कि मैंने बेस ट्रिबल बोर्ड लगाया, हमिंग आ रही है, उसका सॉल्यूशन यही है। और एनक्लोजर को ग्राउंड से, यानी कि इसके बीच वाले से ग्राउंड कर दें तो आपकी हमिंग कम आएगी। उसके अलावा इस तरह के पोटेंशियोमीटर अगर उसमें लगे हुए हैं
तो उनको भी आपको ग्राउंड करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप मेटेलिक कैबिनेट में यूज़ करते हैं तो ये अपने आप मेटल के कैबिनेट में जब फिट करेंगे तो ये ग्राउंड हो जाएंगे पोटेंशियोमीटर और आपकी हमिंग चली जाएगी। लेकिन अगर आप प्लास्टिक का इन्क्लोज़र यूज़ कर रहे हैं या किसी दूसरे टाइप का, या आपने इन्क्लोज़र की बॉडी को ग्राउंड नहीं किया है, तो आपको हीजिंग और हमिंग मिलेगी। आइए चलिए पहले देखते हैं कि ये बोर्ड हमारा किस तरीके से काम करता है। प्रॉपरली ऑडियो आ रही है ऑक्स की, ये देखिए ब्लूटूथ मोड पर आ गया है, पेयरिंग पर आ गया है। आइए अब उसको पेयर करते हैं और ऑडियो सैंपल सुनते हैं। ये हमारा कनेक्ट हो चुका है और इसमें कोई टीटा वाली नॉइज़ नहीं है, बहुत साइलेंटली कनेक्ट हो जाता है। देखिए सभी कंट्रोल्स को मैं नीचे कर देता हूँ। अब हम बेस से स्टार्ट करते हैं। ट्रिपल देता हूँ पहले, मिड कंट्रोल भी देखते हैं। बहुत अच्छी क्वालिटी की ऑडियो आ रही है और कोई भी नॉइज नहीं है। अभी बेस और ट्रिपल फुल है, मिड सबसे नीचे है। तो ये था इसका ब्लूटूथ से परफॉर्मेंस। ब्लूटूथ 5.0 वर्जन है तो ऑडियो काफी अच्छी आ रही है इसमें। और 5.0 का अगर आप स्पेसिफिकेशन देखेंगे तो ज्यादा बिट रेट को सपोर्ट करता है, तो इसे आप वेव फाइल वगैरह भी चला सकते हैं। और आइए अब देखते हैं कि इसको ऑक्स किस तरीके से काम करता है। ब्लूटूथ मोड और ऑक्स मोड दोनों में ही गेन इसका इक्वल है, ये आपको फायदा है। क्योंकि मोस्टली हम जब ब्लूटूथ मॉड्यूल लगाते हैं तो हमें गेन उतना नहीं मिल पाता है, लेकिन यहाँ पर ब्लूटूथ से भी उतना ही गेन मिल रहा है जितना कि आपको डायरेक्टली ऑक्स से लगाने पर मिलता है। इस बोर्ड को अगर आप खरीदना चाहें तो लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दिया है। लेकिन इससे पहले कि आप इसे खरीदें, एक फाइनल बार हम बात कर लेते हैं इस बोर्ड की खासियत और कमियों के बारे में। सबसे बड़ी स्पेशलिटी इस बोर्ड की ये होगी कि इसमें ब्लूटूथ मॉड्यूल एडेड है। दूसरा फायदा ये है फ्रेंड्स कि जो भी हम ब्लूटूथ मॉड्यूल मार्केट से ला के लगाते हैं उनका आउटपुट या गेन बहुत ज़्यादा नहीं होता है। उसकी वजह से जो प्रोफेशनल एम्पलीफायर्स हैं उसके साथ हम उसे यूज़ नहीं कर पाते हैं, क्योंकि प्रोफेशनल एम्पलीफायर की सेंसिटिविटी ज़्यादा होती है। लेकिन इस बोर्ड में बिकॉज प्लस माइनस 12 वोल्ट की ड्यूअल सप्लाई यूज़ की गई है और दो ऑप एम्प हैं, जिसकी वजह से इस मॉड्यूल का गेन काफ़ी ज़्यादा हो जाता है और आउटपुट आपको काफ़ी तगड़ी मिलती है। इसलिए अगर इस बोर्ड को अगर आप होम एम्पलीफायर के अलावा प्रोफेशनल एम्पलीफायर में लगाना चाहें तब भी काफ़ी अच्छा काम करेगा। अगर फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स की बात करें तो आप जानते हैं कि बैक्स एंड डाल टाइप का जो टोन कंट्रोल होता है उसमें एक फ्रिक्वेंसी रेंज लिया जाता है, इसीलिए इसका बेस सेक्शन जो है वो 600 तक की फ्रीक्वेंसी को एम्पलीफाई करता है। मिड जो है 1 kHz के आसपास रखा गया है। मिड इसका बहुत ही अच्छे से काम करता है, अगर आप क्लियर वोकल सुनने के शौकीन हैं तो बहुत अच्छा काम करेगा। और बेस भी इसमें कोई बहुत ओवर पावरिंग बेस नहीं दिया गया है, बेस इसका बहुत बैलेंस्ड है, यानी कि किक बेस और सॉफ्ट बेस
बिल्कुल सॉफ्ट बेस भी नहीं है और बिल्कुल हार्ड बेस भी नहीं है, बिल्कुल बैलेंस्ड में जिसे कहूँगा, ट्यूनिंग बहुत अच्छी की गई है बोर्ड की। इसी वजह से ये बेस स्टेबल बोर्ड किसी भी एम्पलीफायर के साथ एडजस्ट हो जाएगा। ऐसा कोई भी एम्पलीफायर आप यूज कर सकते हैं, चाहे वो क्लास डी का हो चाहे वो क्लास ए बी का हो। और ट्रिबल की अगर मैं बात करूँ तो ट्रिबल कंट्रोल भी बहुत अच्छा है। इस हद तक गेन नहीं लिया गया है कि आपको चीखने वाली आवाज़ आने लगे, प्लस माइनस 10 dB का गेन इसमें दिया गया है दोनों तरफ। अगर आप इस कंट्रोल को बीच में रखते हैं इस नॉब को तो 0 dB आपका रहेगा, तो अगर आपको फ्लैट साउंड सुनना है तो 0 पर रख के सुन सकते हैं। जब भी आप इस तरह के बोर्ड को इस्तेमाल करें तो आप कभी भी दोनों बोर्ड यानी कि प्री एम्प और एम्पलीफायर के वॉल्यूम को फुल मत रखें। आप ऐसा कर सकते हैं कि इसको 50% रखिए और इसको 50% रखिए, तो बहुत आपकी आवाज़ अच्छी आएगी। अगर किसी भी वॉल्यूम को आप 100% रखेंगे तो मैचिंग नहीं हो पाती और नॉइज आने लगती है। जो बहुत हाई लेवल का लिसनर है वो भी 50% गेन से सेटिस्फाई हो जाएगा। कई लोग क्या करते हैं कि प्री एम्प का वॉल्यूम सबसे ज़्यादा कर देते हैं और फिर यहाँ से कंट्रोल करते हैं, इस कंडीशन में भी आपको नॉइज मिलेगी। और कई लोग क्या करते हैं कि एम्पलीफायर का वॉल्यूम फुल कर देते हैं और यहाँ से कम ज़्यादा करते हैं, इस कंडीशन में भी आपको नॉइज मिलेगी। किसी भी टाइप की बेस ट्रिबल बोर्ड की मैं बात कर रहा हूँ। और अब आते हैं इस बोर्ड की कमियों के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी चीज़ दुनिया में परफेक्ट नहीं होती, तो हर चीज़ में सुधार के चांसेस होते हैं। तो ये बोर्ड आप जो देख रहे हैं इसमें आप देख रहे होंगे कि पूरे सेक्शन में 2 ऑप एम्प यूज़ किया गया है। तो ये एक तरीके से बजट बोर्ड है, अच्छी क्वालिटी का ऑडियो ये देता है। फ्यूचर में हम इससे भी अच्छा बोर्ड लाएंगे, लेकिन जिस प्राइस पॉइंट पर ये बोर्ड है उस प्राइस पॉइंट को ये सेटिस्फाई करता है। आप लोग एक चीज़ ध्यान में रखिए कि ऑनलाइन प्राइसेस के बारे में जब भी हम बात करते हैं तो उसमें आपकी शिपिंग प्राइसेस इंक्लूडेड होती हैं, और शिपिंग प्राइसेस इंडिया में एक मेजर फैक्टर है किसी भी ऑनलाइन प्रोडक्ट की। अगर आपने ध्यान दिया होगा तो देखा होगा कि ये कैपेसिटर पहले यहाँ पर नहीं था। ये इसलिए हुआ क्योंकि इस बोर्ड के ब्लूटूथ में थोड़ी सी नॉइज थी, तो फिर मैंने इंकोसेन से कांटेक्ट किया और मैंने बोला कि आपके ब्लूटूथ में नॉइज है थोड़ी सी। उन्होंने क्रॉस चेक किया और बताया कि ये कैपेसिटर छूट गया है लगाना, बिकॉज ये एक डेमो बोर्ड है, ये मेरे लिए स्पेशली भेजा गया है। आपको जो भी बोर्ड भेजा जाएगा उसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो देखिए, ये फ़ायदा है अगर हम किसी कंपनी के साथ क्लोजली काम करते हैं तो हम अपना फीडबैक उनको देते हैं और वो भी उसके अकॉर्डिंगली जो भी करेक्शन होना होता है वो करते हैं। तो अभी फ़िलहाल की बात की जाए तो इसमें कोई भी नॉइज नहीं है। ऑक्स मोड में तो बिल्कुल कोई भी नॉइज नहीं है। ब्लूटूथ मोड में थोड़ी सी नॉइज है, लेकिन वो नॉइज तभी तक है जब तक आप सिग्नल नहीं देते हैं। जैसे ही आप सिग्नल को अप्लाई करेंगे वो नॉइज डिसअपियर हो जाएगी। लेकिन अगर नॉर्मल वे में भी बात करें तो वो नॉइज तभी अपियर होती है जब आप अपना वॉल्यूम 80% से ऊपर रखते हैं। 80% से नीचे रखने में किसी भी तरह की कोई नॉइज नहीं आती है। इसका गेन बिकॉज 10 dB रखा गया है तो कोई भी चीज़ इसमें बहुत एक्सेस में नहीं है। ऐसा नहीं है कि इसका बेस आप घुमाएं तो आपका स्पीकर बिल्कुल फड़फड़ाने लगे, या ट्रिबल आप घुमाएं तो बिल्कुल आपका ट्विटर चीखने लगे। इस तरीके से ट्यून नहीं किया गया है। ये बहुत अच्छे सॉफ्ट साउंड के लिए ट्यून किया गया है। बहुत सारे मार्केट में जो इस टाइप के बेस ट्रिबल बोर्ड्स मिलते हैं उसमें 15 dB या 12 dB सेट किया होता है। उसमें होता क्या है कि जब हम अपना कंट्रोल फुल करते हैं तो बहुत ज़्यादा एक्सेस बेस और ट्रिबल आता है, लेकिन फिर वो डिस्टॉर्शन के हद तक आने लगता है, क्योंकि उस लेवल का बेस और ट्रिबल बनाने के लिए हमें काफ़ी ऑप एम्प और काफ़ी सारा सर्किट चाहिए होता है। इसीलिए इस सर्किट की लिमिटेशन को देखते हुए हमने इसका गेन 10 dB ही रखा है, ताकि आपको ऑडियो में कोई भी डिस्टॉर्शन ना हो। बाकी आपने ऑडियो टेस्ट सुना है तो आप खुद ही डिसाइड कर सकते हैं कि किस तरीके का इसका ऑडियो है, क्योंकि मार्केट में अगर आप खोजेंगे तो आपको कोई भी बोर्ड ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें बेस, मिड और ट्रिबल हो, वॉल्यूम कंट्रोल हो और साथ में ही ब्लूटूथ की फंक्शनलिटी हो। और अगला वीडियो मैं एक बहुत अच्छा थ्योरेटिकल वीडियो लाने वाला हूं, जो कि काफ़ी दिन से आप मुझसे डिमांड कर रहे हैं, और उस वीडियो का सब्जेक्ट है स्टूडियो ऑडियो मॉनिटर, यानी कि क्या हम मॉनिटर स्पीकर घर में बना सकते हैं, अगर बना सकते हैं तो क्या क्या चीज़ें हमें करनी पड़ेगी और किस तरीके से हम उसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। इसी के साथ अगले वीडियो तक के लिए ओके, टाटा एंड बाय।